गाइस रिजल्ट आ चुका है, देखते हैं यार। बहुत जी जान दिया है इसके लिए, तो एक्सपेक्टेड जितना है उतना आए, उसे कम ना आए। लगभग लगभग एक साल बाद फिर से हम लोगों की मुलाकात होती है उस कॉमन टॉपिक पे जिसे हमने पिछले साल छोड़ा था एक क्वेश्चन मार्क के साथ, और बोला था, क्लियरली बोल दिया था कि अपना इतना नंबर आ रहा है और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और ये भी बोला था कि मत पूछना कि मैं ड्रॉप लूंगा कि नहीं लूंगा, तो ठीक है अब दे दिए। बाकी अब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये मत पूछने लगना कि भाई तू ड्रॉप लेगा क्या। देखेंगे, अभी टाइम है मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और सो एंड सो। तो यार उस समय, अच्छा हाँ, मैंने उस समय बोला था ना कि मेरा 570 से 585 के बीच में आ रहा है, मेरा 550 आया था फाइनल, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कमेंट वहाँ पे पिन कर दूंगा। पता नहीं यार OMR में दिक्कत हो गई थी और कुछ आंसर मेरे गलत हो गए थे, तो ड्रॉप करके 550 पे मैं आ गया था। ड्रॉप लेने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट आज देखो ड्रॉप लेके सामने मैं रिजल्ट की वीडियो बना रहा हूँ। देखो मुझे पहले से पता है OMR मैं जांच के रखा पड़ा हूँ, 70-80 बार कॉपी जचाई है, इतना जांचों कि पूछो मत, क्योंकि घर में जैसे ही कुछ भी बोल रहा था ना मैं तुरंत जाके जांचने लग रहा था, और कोई काम वाम नहीं था भैया, समय नहीं कट पाता है। अभी हर समय पढ़ते रहते हो ना तुम, नीट के एस्पिरेंट हो गए तो पढ़ते रहते हो गे, उसके बाद जब ये हो जाता है कार्यक्रम, उसके बाद समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है, अनटिल अनलेस आपको कोई साइड हसल ना हो। जैसे ये मेरा साइड हसल है, तो अभी मैं शुरू किया हूँ, शुरू नहीं कर रहा था, लेजीनेस दिखा रहा था, मेरा समय नहीं कट पा रहा था भाई साहब, ऐसी बात है, ठीक है। और बाकी यही कमरा है यार, यही कमरा है जहाँ पर मैंने तैयारी की थी। ये पीछे कुछ लिखा दिख रहा है ना, दिखाऊंगा लास्ट में, दिखाऊंगा अच्छे से। ये पूजा वाला घर है यार अपना, यहीं पे बैठ के तैयारी की थी, कहीं नहीं, कोई ऑफलाइन नहीं गया था, कहीं घर से बाहर निकलता नहीं था। अपना यकीन मैच PW वाला, ज़्यादा नहीं बोलूँगा प्रमोशन कर रहा है, लेकिन यकीन मैच से बड़ा था, कुछ थोड़ी बहुत तारीफ भी करूँगा यार, नीडेड है भाई, सिलेक्शन किसके वजह से होगा, यकीन मैच ना। गाइस रिजल्ट आ चुका है, देखते हैं यार। बहुत जी जान दिया है इसके लिए, तो एक्सपेक्टेड जितना है उतना आए, उसे कम ना आए, काफ़ी कुछ किया है इसके लिए, है ना। तो बस देखते हैं, जय गुरुदेव, ओम नमः, उतना ही आया, एक्सपेक्टेड है, सब लोग खुश हैं, आ जाओ। भाई ये कितना वाईफाई वहां तक पकड़ रहा है, भैया बैठ जाओ। हां ये बैठ जाओ, बैठो, कुर्सी दे दो, कुर्सी पे बैठो। ये ओ ओके, सामने घूम कर नंबर कितना है? 635 आ गया, चलो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो उसको एक और एप्लीकेशन, रिजल्ट आ गया और तुम्हारे भाई का सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट आ गया भाई और तुम्हारे भाई का सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी मैं थोड़े समय पहले रो दिया, रोना आ गया अंदर से, ये देख के नहीं, रैंक वैंक देख के नहीं, ये देख के यार कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि भाई खून पसीना एक कर दिया था इसके लिए। मार्क्स 700 नहीं आए, 635 ही आए, वो भगवान की दया काफ़ी थी उसमें, फैमिली का पूरा वो था, योगदान था, टीचर्स तो रहते ही है, मेरा था, है ना, लेकिन मार्क्स ही मैटर करता, क्योंकि भाई मैं 550 से उठ के आया हूँ ना, मुझे पता है 550 में मैंने क्या किया था, मैंने जी जान झोंक दी थी 550 में, दिन रात एक करके मेहनत की थी, सिलेक्शन नहीं हो पाया मेरा 2022 में यार, और जब सिलेक्शन नहीं हो पाया था बहुत डार्क था भाई,
अच्छा नहीं लगता भाई बिल्कुल भी. बेस्ड अपॉन दैट सेपरेशंस भी हुए, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस कुछ ने मेंटेन किए. पूरी जर्नी मेरी लोनली थी, कहीं बाहर नहीं जाता था मैं, पहले भी नहीं जाता था, और ड्रॉप ईयर में मैं खुद भी नहीं गया कहीं से. मेरे अंदर उतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ और वहाँ से मैं तैयारी करूँ. घर पे बैठ के यही जो कमरा है यहीं पे बैठ के मैंने तैयारी की. PW यकीन बात से साइलेंट प्रिपरेशन थी, इतना कोई चेक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस नहीं था. कोई मॉक में ये नहीं पूछने वाला था कि तुम्हारे आ रहे हैं अच्छे नंबर. मेरे पूरे पूरे मेरे नीट की जर्नी में जो मॉक वाले बहुत डरते हैं, अगर तुम्हें देखो मैं पसंद आ गया तो कभी मुझे याद करना. और ये एक रियलिटी जानो कि मेरे पूरे नीट की जर्नी में चार बार मैक्सिमम, चार बार या तो चलो पाँच बार कह लो, पाँच मैक्स होगा, चार से पाँच बार ही सिर्फ मेरा 600 आया है. सोचो क्या बीतती होगी मेरे ऊपर. और लिटरली भाई मेरा सर दर्द करता था बहुत, मैं सुन्न पड़ जाता था यार. क्यों मेरे आसपास वाले 680 670 को एवरेज बना के डिस्कस करते थे, मेरे 400 में आ रहे होते थे. मुझे भाव नहीं मिलता था. मैं किसी के भी पास जाता था और टीचर उसे पूछता था डाउट में, तो मुझे वो बकलोल साबित कर देते थे वन ऑन वन. जितने लोग जो हैं जो मेरे पूरे जर्नी में बहुत अच्छे खासे बाधक और ऑब्स्टिकल बन के आए, जो टीचर्स थे जिनसे मैंने डाउट पूछा खूब रिपीटेडली, बेहाया बन के मैंने डाउट पूछा है, वो उन्होंने मुझे बकलोल साबित कर दिया. जो वो लोग थे जो मुझे डाउट पूछने से मना करते थे, जो वो लोग थे जो मेरे नीट 2022 का फेलियर वेलियर देख के मुझे मेरे से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, मेरा सिलेक्शन हो गया यार. भगवान की दया से, फैमिली की वजह से, मेरे वजह से, टीचर्स की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया 635 नंबर के साथ. ठीक है, तो नेगेटिविटीज़ रहेंगी भाई और फाइट बैक करना पड़ेगा, है ना. स्मूथ नहीं जाएगी चीज़ें. गलत भी नहीं रहोगे यार तब भी तुमको यार, तुम डाउट पूछोगे, डाउट पूछना कहाँ से गलत है यार, तुम बता दो डाउट पूछना कहाँ से गलत है. तो बना बनाया टॉपर थोड़ी आता है यार. डाउट पूछोगे कुछ रोकेंगे है ना, तो मैं मॉक पे जज किया जाएगा. चट्टान की तरह खड़े रहना, चट्टान की तरह हिलना डुलना मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. एंड में विजय उसकी होगी जो सत्य होगा भाई. एंजॉय मारते हैं अब, एंजॉय मारते हैं.